फिर डाल भी सकती है, ठीक है। इसके बाद आप देख पाएंगे कि आपको लिमिट मिल जाएगी 5 लाख रुपए तक की इंस्टेंटली में। अब ये 5 लाख की लिमिट मेरे को लगता है कि तकरीबन जितने सारे यूजर्स जाते होंगे सभी को ये चीज शो करता होगा। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप, जैसे पर्सनल डिटेल्स, लिमिट जाननी है, केवाईसी प्रोवाइड करनी है और आपको आपका लोन मिल जाएगा। तो अब ये देखते हैं कि वाकई में चीज काम करती है या फिर कुछ और बात भी है। तो कंप्लीट एप्लीकेशन पे आप जाएंगे, यहाँ जाने के साथ ही आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, लाइक हमारे मैरिट स्टेटस के बारे में, काम की जिस कंपनी में करते हो उस कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, किस लोकेलिटी, किस एरिया में पड़ता है, पिन कोड, सिटी और कितना पैसा हमारे हाथ में आता है मंथली, वो बता के 7% पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक स्टेटमेंट देना होगा। वो देने के साथ ही आपको सिंपली जाना है, और क्योंकि मैंने कहा था कि सैलरी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट नीडेड होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो बैंक से हमारा पैसा, मतलब जो कंपनी में हम काम करते हैं वो कंपनी सीधा पैसा जो है हमारे बैंक में भेजती है, तो तरीके से वो सैलरी ही भेजती है, ठीक है। तो वही हमें चूज करना है इसके लिए। मतलब तो कैसे हैं आप सभी लोग, लोन पाओ यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप लोगों का। और इस वीडियो में आज आप देखने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से एक लोन एप्लीकेशन, जो लोन एप्लीकेशन आपको तकरीबन 5 लाख रुपए तक का लोन इंस्टेंटली 2 मिनट में दे देगा, और साथ ही में यहाँ पे आपको जो है किस तरीके से यहाँ पे डिजिटल प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए में बहुत ही आसानी ईएमआई, आसान मतलब ईएमआई को बड़ी आसानी से लेते हुए में, कंप्लीट करते हुए में आप इस लोन को भी चुका पाओगे और इस लोन को भी बहुत बड़ी आसानी से ले पाओगे। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है और क्या नहीं है वो तो पता चलेगा आपको आगे चल के। और साथ ही में यहाँ पे जो टोटल डिटेल्स है इस एप्लीकेशन के बारे में कि लोन अमाउंट कितना मिल जाएगा, मिनिमम अमाउंट कितना मिलेगा, यानी कम से कम हमें कितना, और ज्यादा से ज्यादा का तो खैर पता चल ही चुका है। दूसरा कि लोन चुकाने का समय हमें ज्यादा से ज्यादा कितने समय के लिए मिलेगा, ब्याज दर ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा ही भरने की नौबत आ जाए कि हमें पता चले प्रिंसिपल से ज्यादा ब्याज दर की नौबत आ जाए। कई बार ऐसा भी एप्लीकेशन का एपीआर रेंज बहुत हाई चल जाता है, उसके चक्कर में भी लोग नहीं लेना चाहते हैं लोन, तो इस चीज के डाउट को भी मैं क्लियर करूंगा। या इसके कई बार लोगों के डॉक्यूमेंट्स के तौर पे कहीं ना कहीं शक रहता है दिमाग में कि भाई क्या सिर्फ बिना इनकम प्रूफ दिए लोन ले सकते हैं क्या। मान लो कि कोई व्यक्ति सैलरी बेसिस पे कहीं काम कर रहा है और वो सोच रहा है कि बिना इनकम प्रूफ दिए उसे लोन मिल जाएगा, जैसे बिना सैलरी स्लिप की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है या ऑल चीजें, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सैलरी बेसिस पे काम कर रहे हो तो आपको ये सब चीजें शो करनी ही पड़ेगी। साथ ही में अगर आप मान लो सेल्फ प्रोफेशन में भी हो तो उसके रिगार्डिंग भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पेश करने पड़ेंगे। और जो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जैसे मान लो पैन कार्ड या आधार कार्ड, ये तो कंपलसरी ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इन दो के ही बिहाफ पे आपको लोन मिल जाएगा आपका पर्सनल लोन। तो बताएंगे आपको इस प्रॉपर एप्लीकेशन से कैसे लोन लेना है, इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और पहले पूरी वीडियो देख लेना, समझ लेना, उसके बाद आप जाके जो है अप्लाई करना, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नाम और किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो, ये भी आप हमें बता सकते हैं। तो वीडियो देख रहे हैं, जिसके नीचे टाइटल होगा, टाइटल पे से क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक, सबसे पहले आपको इसी पे क्लिक करना है, करते आप सीधा पहुंचेंगे loanpao.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। बहुत सारे टाइप के यहाँ पे जो है आपको कैटेगरीज मिल रही है, जिस कैटेगरी के अंदर आप देख पाएंगे कि तमाम तरीके की फाइनेंसिंग, जैसे कि बैंक से लोन लेना हो या फिर करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट ओपन करना हो या पर्सनल लोन लेना हो या एप्लीकेशन से लोन लेना हो या फिर होम लोन लेना हो, एजुकेशन लोन लेना हो, बहुत सारे टाइप्स के लोन के यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहे होंगे। अब क्योंकि आपको नॉर्मली पता है हम पर्सनल लोन लेने वाले एक अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं और वो भी एप्लीकेशन से, तो आपको डायरेक्टली चले आना है ऐप लोन पे। अब ऐप लोन पे जाओगे तो आपको बहुत सारे तमाम तरीके की लिस्ट मिल जाएगी जहां पे आपको ये बताएगा कि एप्लीकेशन से लोन किस तरीके से लेना है। अब ऐसे में भी आपको एप्लीकेशन को तो भैया फाइंड करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए आपको सर्च पे आना है और जिस एप्लीकेशन से आपको लोन लेना है वो आपको सर्च कर लेना है। जैसे हम आज 5 ऐप से लोन लेने वाले हैं, तो हम 5 डाल के सिंपली सर्च करेंगे तो हमारे सामने रिजल्ट आएगा कि भाई 5 ऐप से पर्सनल लोन कैसे लें। ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल पे ओपन करेंगे तो हमारे सामने हमारा आर्टिकल पूरा डिटेल्ड में एक्सपांड होएगा 5 पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में कि 5 ऐप से लोन कैसे लेंगे। जैसे कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बताएगा कि ये कैसे पर्सनल लोन जो है इजिली और क्विकली कन्वीनियंटली बनाता है। साथ ही में इस एप्लीकेशन से लोन लेने का फायदा ये कि फास्ट एंड ईजी तौर पर आप इस एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे, इंस्टेंट अप्रूवल तो मिलेगा ही, साथ ही में लोन चुकाने का जो रीपेमेंट के जो ऑप्शन है वो फ्लेक्सिबल है। जो भी चीजें होंगी, चाहे वो लोन टर्म्स की बात हो, चाहे वो लोन कॉस्ट की बात हो, चार्जेस की बात हो, ये सारी चीज आपके सामने ट्रांसपेरेंटली रखी जाएगी। ट्रांसपेरेंटली इसलिए भी ताकि कहीं हिडन कॉस्ट या फिर हिडन चार्जेस या फिर प्री पेनल्टी चार्जेस या फिर जो भी ऐसे कुछ चार्जेस होते हैं जो पहले तो आपको नहीं बताए जाते, लेकिन लोन अप्लाई करने के बाद आपको बताया जाता है कि भाई आपको जो नेट डिसबर्स लोन हुआ है उसमें से हमने इतना पैसा इस चीज के काटा है, इतना पैसा इस चीज का काटा है, तो वो सब चीजें नहीं, यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर ऑलरेडी हो जाएगी। और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे कि मान लो कि इस लोन के बारे में, लोन एप्लीकेशन, जिस लोन एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो, आपसे पहले भी तो ऑलरेडी कई लोगों ने लोन लिया होगा ना, तो उनके फीडबैक क्या रहे हैं इस एप्लीकेशन के बारे में वो भी आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से पता चल पाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे तो आपको मोस्टली चीजें खुद ब खुद क्लियर हो ही जाएंगी। और जहां तक बात रहती है आप किस तरीके से लोन को अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको जो है इसी के अंदर विजिट का लिंक देखने को मिल जाएगा जो आप यहाँ पर देख पाएंगे। सिंपली आपको इसी विजिट लिंक पे क्लिक करना है और क्लिक करते सीधा आप लोग पहुंचोगे अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर पे। लेकिन ये कोई जरूरी बात नहीं है कि आप मेरे थ्रू पहुंचे, कई बार लोगों को लगता है कि इसका मेथड तो इतना लॉन्ग है फिर हम इसी के माध्यम से क्यों पहुंचे, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही थ्रू इस एप्लीकेशन तक रीच
चेंज कर रहे हो, आप डायरेक्टली अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पे पाइप एप्लीकेशन तक पहुंच सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कोई नई एप्लीकेशन नहीं है, इसका पहले नाम होता था अर्ली सैलरी करके, अब ये पाइप ऐप में जो है ट्रांसफर हो चुका है। 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने, यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है, तो कहने का मतलब एप्लीकेशन कहीं ना कहीं खास होगी, तभी तो उसको इंस्टॉल किया। तो आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है तो जरूर कर लें। जहां तक बात रहती है एप्लीकेशन के बारे में, तो यहाँ पे 5,000 रुपए से लेकर 5 लाख का लोन मिलेगा। इस मीन्स की यहाँ पे आपको मिनिमम अमाउंट जो आप लोग सोच रहे थे कि कम से कम लोन अमाउंट कितना मिलेगा, वो 5,000 रुपए तक का है। 2 मिनट में सीधा पैसा बैंक खाते में मिलेगा अगर अप्रूव हो जाता है इसके बाद। तो इसके बाद लोन चुकाने का समय 3 महीने से लेकर 36 मंथ्स यानी 3 साल तक का मिलेगा। 100% ऑनलाइन प्रोसेस है, कोई क्विज, कोई चार्जेस या फिर बात करें कोई यहाँ पे आपका इंटरलाइजिंग जैसी कोई चीज नहीं आएगी। कम से कम पेपर वर्क जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट पे ही लोन मिल जाएगा। अभी देखते हैं कि वाकई में इन्हीं सब चीजों पे मिलता है या कुछ और बात भी है। कोई कॉलेटर नीडेड नहीं है, ये बात तो सच है कि इस लोन को लेने के लिए, या मान लो अगर आपका अमाउंट 1 लाख 2 लाख तक भी चल जाता है, तो आपको लोन लेने के लिए किसी प्रकार की अपनी महंगी चीजों को गिरवी रखने की जरूरत नहीं है या जमा करवाने की नीड नहीं है। और ये सारी चीजें हैं जो आपकी एप्लीकेशन अच्छे से यहाँ पे बताती है। बाकी एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो तो 21 से 55 साल के व्यक्ति इस लोन को ले सकते हैं, 21 साल से लेकर 55 साल के बीच में। अगर आप सैलरी की बात करते तो कम से कम 18,000 सैलरी आपकी होनी चाहिए अगर आप मेट्रो सिटीज में हो, और 15,000 सैलरी अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में हो, और भारत के नागरिक तो खैर आप होने ही चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स बता चुका हूँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड सैलरी अकाउंट बैंक स्टेटमेंट। तो सैलरी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट समझ में आता है कि सैलरी अकाउंट भी शायद नीडेड होगा, अब ये तो चलो आगे चल के पता चलेगा। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है तो उसको करते हैं। जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा आपका, 5 ऐप कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी आपका इंपॉर्टेंट जो भी बेसिक चीजें होती है, जैसे कि मैं बोलता हूँ साइनअप वगैरह को लेकर, वो सब कंप्लीट कर लेना, जैसे कि मोबाइल नंबर डाल के और ओटीपी वगैरह का जो कंफर्मेशन है वो आप कंप्लीट कर लेना। वो जैसे हो जाएगा इसके बाद आपका जो भी इंपॉर्टेंट कंसेंट है, जैसे कि आपका जो भी है आपको परमिशन वगैरह को एग्री करना पड़ता है, तो वो कर लेना। और वो करने के साथ ही आप आगे बढ़ोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि जब आप लोन अप्लाई करोगे तो ये चीज बीच में रोड़ा फिर डाल भी सकती है। ठीक है, इसके बाद आप देख पाएंगे कि आपको लिमिट मिल जाएगी 5 लाख रुपए तक की इंस्टेंटली में। अब ये 5 लाख तक की लिमिट मेरे को लगता है कि तकरीबन जितने सारे यूजर्स जाते होंगे सभी को ये चीज शो करता होगा। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप, जैसे पर्सनल डिटेल्स, लिमिट जाननी है, केवाईसी प्रोवाइड करनी है, और आपको आपका लोन मिल जाएगा। तो अब ये देखते हैं कि वाकई में चीज काम करती है या फिर कुछ और बात भी है। तो कंप्लीट एप्लीकेशन पे आप जाएंगे, यहाँ जाने के साथ ही आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, लाइक हमारे मैरिट स्टेटस के बारे में, काम की जिस कंपनी में करते हो उस कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, किस लोकेलिटी, किस एरिया में पड़ता है, पिन कोड, सिटी, और कितना पैसा हमारे हाथ में आता है मंथली, वो बता के 7 प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक स्टेटमेंट देना होगा। वो देने के साथ ही आपको सिंपली जाना है, और क्योंकि मैंने कहा था कि सैलरी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट नीडेड होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो बैंक से हमारा पैसा, मतलब जो कंपनी में हम काम करते हैं वो कंपनी सीधा पैसा जो है हमारे बैंक में भेजती है, तो उस तरीके से वो सैलरी ही भेजती है। ठीक है, तो वही हमें चूज करना है। इसके लिए मतलब अब तो खैर ये हो चुका है कि हर बैंक एक सैलरी बैंक अकाउंट भी पर्टिकुलरली होता है सेविंग्स के अलावा भी, लेकिन हाँ अभी आप इसका यहाँ पे यूज कर सकते हो उन अकाउंट्स को भी जिसमें आपका मंथली सैलरी आता है हर महीने का। तो बैंक नेम चूज करना है आपको यहाँ पे, और 2 मेथड से, चाहे वो आप पीडीएफ फॉर्मेट से या फिर आप नेट बैंकिंग के मेथड से भी यहाँ पे अपने बैंक स्टेटमेंट को फेच करवा सकते हो, लेकिन मेरी नजर में देखा तो फास्टेस्ट मेथड नेट बैंकिंग वाला ही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप इसी पे जाइए। यहाँ जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है जो बैंक नेम है वो डालना है या सर्च करना है। इसके बाद आप आईडी एंड पासवर्ड, क्योंकि नेट बैंकिंग में यही होता है, वो डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे फेच कर लेगा जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट है। इसके बाद आपको बता देगा कि आप कितने रुपए तक के लोन के लिए अप्रूव्ड हैं, या लिमिट आपकी कितनी दिखाई जाएगी। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक लिमिट दिखाई जा रही है, तो इसको आप एग्जैक्ट मत समझो, एक डेमो अमाउंट मैंने दिखाने की कोशिश करिए। आपके केस में 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लो कि हमें क्योंकि लोन लेना है तो इंस्टेंट कैश पे हम जाएंगे, यहाँ पे जाके हमें जो है अवेलेबल लिमिट हमारी दिखा देगा। ठीक है, मिनिमम अमाउंट तो 5,000 तो सबको पता है, पर मैक्सिमम कितनी गई है वो तो आपको भी पता चलेगा कि आपकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी लिमिट कितनी है, 1 लाख 2 लाख 60,000 65,000 ना, तो उसमें से हमें कितने रुपए तक का लोन चाहिए वो चूज करना है। और यहाँ पे लिखेगा ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट जिस बैंक अकाउंट में है, ईएमआई कितना बनेगा अमाउंट का, वो ईएमआई का टेन्योर कितना है, कितने महीने के लिए, फर्स्ट ईएमआई की डेट क्या और लास्ट ईएमआई की डेट क्या, सब दिखाएगा यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे सिंपली आपको कंफर्म करना होगा, लोकेशन एक्सेस कर देनी है, इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आप देख सकते हो कि लोन अमाउंट, प्रोसेसिंग फीस, स्टैंप ड्यूटी सबका यहाँ पे जो है आपको कैलकुलेशन देखने को मिल रहा होगा, और पैसा कितना आएगा आपके, हाँ आपके अकाउंट में वो भी दिखाएगा। तो आपको ऑफिस ऑडिट पे जाना है, सिंपली जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर अगेन ओटीपी आएगा, वो डाल के आपका सिंपली देख सकते हो काम बन चुका है। लेकिन इस कड़ी में काफी कुछ चीजें ऐसी, जैसे कि हम लोग जो बैंक अकाउंट से, जैसे हम जैसे हमने देखा कि किस तरीके से फटाफट से हमें पैसा मिल गया बैंक में, इस बीच में हो सकता है कि जैसे जैसे एप्लीकेशन अपडेट होती है या फिर नए नए फीचर जब एड ऑन होते होते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आपका आधार वेरिफिकेशन, पैन कार्ड वेरिफिकेशन ऑनलाइन मेथड से हो गया आज के डेट में अकाउंट एग्रीगेटर के तौर पर, कि आप बस आधार कार्ड नंबर डालिए, ओटीपी वेरिफिकेशन, तो आपका ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल भी होता है। तो ऐसे अगर ऑप्शन है तो आप इन ऑप्शन का इस्तेमाल भी करना। साथ ही में मान लो कि अगर डॉक्यूमेंट साइन इन की बात है, वो डॉक्यूमेंट साइन इन की जिसमें आपका लोन एग्रीमेंट सैंक्शन होता है, तो वो भी करना, क्योंकि लोन
एग्रीमेंट भी एक सभी अपनी सभी तो नहीं बस मोस्टली एप्लीकेशन साइन इन करवाते ही हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था 5 एप्सिलॉन लेने का, और इसमें से अगर कोई चीज मिसिंग हो गई हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने मोस्टली इमेजेस दिखाने की यही कोशिश करी है कि लोन आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी रहे कॉमेंट बॉक्स में प्लीज लिख के बताए।